हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वुल्फ हाइब्रिड डॉग ब्रीड के बारे में। आखिर ये डॉग ब्रीड कैसी है? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये डॉग ब्रीड मोस्ट एग्रेसिव डॉग ब्रीड की लिस्ट में आई हुई डॉग ब्रीड है। तो इसके बारे में बात करनी बनती थी। सबसे पहले अब बात करते हैं कि इस डॉग ब्रीड को ब्रेड कैसे किया जाता है। इस डॉग ब्रीड को ब्रेड किया जाता है, जैसे कि आप लोगों को नाम से पता चल गया होगा, वुल्फ हाइब्रिड, मतलब ये वुल्फ के साथ दूसरे डॉग्स को मिला के किया जाता है। तो मिलाने में इसमें जो दो डॉग जो निकल के आते हैं, वो है एक साइबेरियन हस्की, दूसरा है आपका जर्मन शेफर्ड। दोनों ही डॉग अच्छी डॉग ब्रीड है, लेकिन जर्मन शेफर्ड का इंटेलिजेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो मोस्टली केसेस में जहाँ पे रशिया की मिलिट्री इसका इस्तेमाल करती है, पुलिस फोर्सेस का इस्तेमाल करती है, तो वहाँ पे इसे जर्मन शेफर्ड के साथ क्रॉस किया जाता है वुल्फ हाइब्रिड को, तभी आपके पास एक वुल्फ हाइब्रिड डॉग बनता है, जिसे कि वुल्फ और जर्मन शेफर्ड का क्रॉस किया जाता है, या फिर हस्की और आप वुल्फ का भी कह सकते हो। लेकिन रशिया के अंदर जो किया जाता है वो होता है आपका जर्मन शेफर्ड और वुल्फ का। इन्हें इसलिए क्रॉस किया जाता है कि आपके पास एक अच्छा डॉग निकल गया है जो कि एग्रेसिव भी हो, लेकिन इसका बिहेवियर का नहीं पता चलता और ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होता है। मतलब आपको ये लगा लो, आप वुल्फ के अंदर आपको एक जर्मन शेफर्ड की इंटेलिजेंस मिल रही है, तो वो काफ़ी इजी टू ट्रेन डॉग ब्रीड है। उनकी स्मेलिंग पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई चले जाता है, साइज़ में वो काफ़ी ज़्यादा हाई चले जाते हैं, साथ में जो वो काफ़ी अच्छे गार्ड डॉग भी बन जाते हैं और वो किसी पर भी एक अच्छा खासा डैमेज पहुँचा सकते हैं, ईजिली किसी भी जानवर से भिड़ सकते हैं। फिर वो इसके चलते उन्हें वुल्फ हाइब्रिड के साथ क्रॉस किया जाता है रशिया के अंदर, और इन्हें यूज़ भी किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा लॉयल डॉग ब्रीड है, हाईली इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है, इसे आप ट्रेन भी इजीली कर सकते हो। जबकि आप ये देख सकते हो कि रशिया की पुलिस या मिलिट्री फोर्स इसका इस्तेमाल करती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हाईली ट्रेनेबल डॉग है। एग्रेसिव काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप इस डॉग ब्रीड को सोच रहे थे पालने की, तो मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर ये अलाउ ही नहीं है। अगर अलाउ हो तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी मेरे को ये चीज़ पता चली कि ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा कम टेम्परामेंट के होते हैं। दूसरे डॉग्स के लिए या चोरों के लिए काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो आपको ज़रूर सोशलाइज करना पड़ेगा दूसरे बच्चों के साथ भी और दूसरे पैट्स के साथ भी, कहीं ज़्यादा ये एग्रेसिव ना हो जाए। इसका बिहेवियर पता नहीं चल सकता कि इसका बिहेवियर किस टाइम वुल्फ का चले जाए, किस टाइम डॉग का हो जाए। तो इसके चलते भी घर के लिए ये डॉग ब्रीड ज़्यादा सूटेबल नहीं है, ये खाली मिलिट्री फोर्सेज के लिए ज़्यादा सूटेबल डॉग ब्रीड कहलाई जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, डॉग जंक्शन आप लोगों के लिए एक वेबसाइट ले गया है पैराडाइज ऑफ पैट के नाम से, जिस पे कि आप कोई भी अपनी पसंद का पेट को सेल भी कर सकते हो, और अगर आप बाय करने में इंटरेस्टेड हो तो बाय भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, आप विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको डायरेक्ट जो सेलर है उसके कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, डायरेक्ट आप उनसे कॉन्टैक्ट करके अपने पैट की डिटेल निकलवा सकते हो। अगर आपको पैट समझ में आता है तो आप जाके ला सकते हो। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए डॉग ब्रीड बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। बेसिकली ये एक पुलिस या मिलिट्री फोर्स की डॉग ब्रीड है, तो इसे घर पे पाले ही नहीं जा सकता, वो चीज़ ख़त्म हो गई। और ये मोस्टली ब्रेड भी ऐसे कोल्ड क्लाइमेट के लिए करे जाते हैं, तो हॉट क्लाइमेट में वैसे भी रखने का कोई मतलब नहीं बनता। हेल्थ इशू इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर वर्किंग लाइन का जर्मन शेफर्ड और वुल्फ का मिक्स किया जाता है, तो इसके चलते इनमें हेल्थ इशू कम हो जाते हैं। लेकिन इनमें ये नहीं बताया जा सकता किस टाइम आपको वुल्फ वाले इनमें सिम्टम्स देखने को मिल जाएं जो कि हेल्थ इशू में आते हैं, और किस टाइम आपको जो हेल्थ इशू होते हैं डॉग्स वाले, जो कि बेसिकली जर्मन शेफर्ड के हेल्थ इशू होते हैं, वो देखने को मिल जाएं। बाकी गार्डिंग और वॉच डॉग के मामले में काफ़ी अच्छी डॉग ब्रीड है। इनका एक्सरसाइज लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, मतलब अगर आपको मैं बताऊं तो आप ये लगा लो दो हस्की जितना ये अकेले इतने ज़्यादा एनर्जी कैरी करते हैं। साथ में इनका प्राइस होता है वो डिपेंड कर जाता है कि ये मार्केट में किस रेट पे बिक रहे हैं और क्या इनका आगे से रेट आ रहा है। बेसिकली जो इनका स्टार्टिंग प्राइस आपको पड़ता है वो पड़ता है 1 लाख से ऊपर का। 1 लाख के नीचे आपको कोई भी वुल्फ हाइब्रिड का पपी नहीं मिलेगा। वुल्फ हाइब्रिड का आपको जो पपी की स्टार्टिंग प्राइस है वो 1 लाख से ऊपर ही है। कई बारी आपको 10 लाख से ऊपर से भी मिलने लग जाते हैं, लेकिन उसमें वो चीज़ आ जाती है कि कौन से वुल्फ के साथ आपका डॉग मिक्स है। अगर वो ग्रे वुल्फ के साथ मिक्स है तो उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा होगा ही होगा, तो इस चीज़ को भी ज़रूर कंसीडर करना। बाकी ये डॉग ब्रीड घर में पालने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, तो इसके जगह आप नॉर्मल डॉग ब्रीड की तरफ जा सकते हो। ये वीडियो बनाने का खाली एक ही मकसद था, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। होप करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट्स में बताना कि आपको वुल्फ हाइब्रिड डॉग ब्रीड के बारे में और भी जानना है या नहीं जानना, जिससे कि मेरे को पता चले आपको इस डॉग ब्रीड के अंदर इंटरेस्ट है या नहीं है, या फिर आपको इस वुल्फ के अंदर इंटरेस्ट है या नहीं है। और साथ में ये चीज़ ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं आई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।